हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे अध्याय का सेकंड चैप्टर का दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि स्वांगता की व्यक्त करने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो स्वांगता की व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत देखा, शक्ति देखा और आयतन प्रतिशत देखा। इसके बाद क्या है, मोलरता। आज हम लोग मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे। कैपिटल एम, स्मॉल एम जिसको बोलते हैं, अगर स्मॉल एम हो जाएगा तो मोलरता, मोलरता हो जाएगा। अब मोलरता को मोलरिटी कहते हैं। और एक तीसरा पॉइंट जो होगा आपका नॉर्मलता, अनॉर्मलता को कैपिटल एंड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। आप अपने नोटबुक पेन लीजिए और मैं एक एक डिफिनेशन बोल रहा हूँ, डिफिनेशन को 100% आप लिखिए और आपको स्क्रीन में डिफिनेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए लिखिए, मोलरता के डिफिनेशन लिखिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलो, अकोष्ठक में मैं ये लिखा हूँ ग्राम अणु, यानी ग्राम अणु भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों या ग्राम अणु की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। डिफिनेशन अच्छी, छोटी सी डिफिनेशन है, एक लाइन का आंसर मैं आपको बता दिया हूँ। थोड़ा ध्यान देकर समझें कि निश्चित रूप से आपके मोलरता बन जाएगा और पेपर में भी आता है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस अध्याय से, 2 और 3 नंबर के। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन इसी प्रकार कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोलरता की बात कर रहा हूँ। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या कह सकते हैं, या तो ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। अब सूत्र के रूप में देखते हैं, सूत्र फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला। ये लिखा है मोलरता, मोलरता एम, मोलरता किस तरह दिखाते हैं, कैपिटल एम में मोलरता एम इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन, यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। यही पे डिफिनेशन लिखी हुई है, एक आपका फॉर्मूला यही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी डिफिनेशन यही है। यदि आपको डिफिनेशन नहीं है याद हो रही है, आप इसके माध्यम से आप कर लीजिए। प्रथम नंबर से क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय नंबर में इसको बोलेंगे और तीसरे नंबर में इसको बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। जैसे अपन लोग रासायनिक क्रिया करते हैं, तो मैं आपको 3 या 4 पॉइंट बताता हूँ, उनको याद रखना है। क्रिया कौन करेगा, क्रिया किसके साथ हो रही है, किसकी उपस्थिति में हो रही है और क्या बन रहा है, 4 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। 4 पॉइंट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। क्रिया हो रही है, किसके साथ क्रिया होगी, किसके उपस्थिति में क्रिया होगी और बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो 4 पॉइंट वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट। कैसे, 1 लीटर बिलियन उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को नॉर्मलता और मोलरता कहते हैं। अब इसके आधार पर हम सूत्र का पालन करते हैं। देखिए, मोलरता एम इक्वल टू बिले का ग्रामों भर, बिले का ग्रामों भर में हम किससे दर्शाएंगे, बिले का ग्रामों भर को हम किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू बी से व्यक्त करते हैं। तो डब्ल्यू बी हो जाएगा बिले का अणु भर, और अणु भर किससे दर्शाते हैं, मालूम कर पास को एम बी से दर्शाते हैं। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एम बी लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन किस में होगा, एल में होगा। एल का मतलब समझ में आ गया होगा, लीटर होता है। देख लीजिए, बिले का ग्रामों में भार डब्ल्यू बी अपान बिले का अणु भार इनटू बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन किस में होगा, लीटर में भी होगा, एमएल भी होगा। लीटर में होगा तो इतना ही रहेगा, एमएल में हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा कि
एमएल में जैसे चेंज होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर बराबर 1000 एमएल के बराबर होता है। तो सूत्र देखिए, एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन विलेय का अनुपात किसे दर्शाएंगे, एम बी इनटू विलेय का आयतन भी लीटर में। अब क्या करेंगे, मैं एक और सूत्र बनाऊंगा, एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू वी एमएल, और यहां पे 1000 आ गया। तो ये देखिए 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 एमएल। इसी प्रकार से हमने क्या किया, 1 लीटर को 1000 में चेंज कर दिया एमएल में। फार्मूला क्या बन गया, एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू वी एमएल, और 1000 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका निकल के आ गया फार्मूला। ये आपका क्या था, मोलर था। 1 लीटर विलेय उपस्थित, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसके बाद मैं आपको कौन सा बताऊंगा, स्मॉल एम। अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैपिटल एम की बात हो रही है। आप दूसरा पॉइंट हो जाओगा आपका स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या बोलते हैं, मोलरता। मोलरता की इंग्लिश क्या होगी, मोलरिटी। तो तीसरा पॉइंट होता है मोललता, और मोललता को हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, दैट मींस कहा जाए मोलैलिटी। तो परिभाषा क्या होगी, विलाय के 1000 ग्राम की बात करता हूं, तो 1000 ग्राम बोले या विलाय के 1 केजी में, विलाय के 1 केजी में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलाय के 1 केजी में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता। विलाय के 1000 बोलिए ग्राम में, अथवा विलाय के 1 केजी में घुले क्या घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, और इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। फार्मूला देखिएगा, मोलरता एम इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, क्या विलेय के मोलों की संख्या, और विलाय अपॉन विलाय की केजी में मात्रा। इसके पहले पर लोग पढ़े हैं बिलियन का लीटर में आकर लिखा था, क्योंकि आप मोलरता मोलरता पढ़ रहे थे, यहाँ पे मोलरता पढ़ रहे हैं, इस कारण से वहाँ पे लीटर की बात हो रही थी, यहाँ ग्राम की बात हो रही है। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलाय का या विलाय की केजी में मात्रा, और फार्मूला सॉल्व करेंगे तो विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विलाय लिखा हुआ है तो हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलाय की केजी में मात्रा। तो विलाय की केजी में मात्रा हो जाएगा, तो हम उसकी बात याद करेंगे, तो इसको हम लेंगे विलाय की केजी मात्रा, और विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा, तो फार्मूला में चेंज कर देते हैं, स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की ग्रामों मात्रा को डब्ल्यू बी से व्यक्त करते हैं अपॉन विलेय का अणुभार जो होगा, विलेय का अणुभार जो होगा या मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान और अणुभार दोनों शब्द एक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, एक ही या अणुभार को एक ही शब्द बोलते हैं, तो एम बी से डिनोट करते हैं, इनटू विलाय की केजी मात्रा, तो विलाय की केजी मात्रा क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, और यहाँ पे देखिए केजी लिखा हुआ है, तो आपका फार्मूला एक निकल के ये आ गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम की बात हो जाएगी, तो अब क्या करें, फार्मूला में क्या हुआ ग्राम में आ गया, तो एम बराबर हो जाएगा एम इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और क्या लिखा हुआ है ग्राम, यहाँ केजी है यहाँ पे ग्राम, और ग्राम का 1000 क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका फार्मूला निकल के आ गया स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसमें ग्राम में इनटू ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। ये आपका क्या रहा मोलरता डेफिनेशन।
थोड़ी सी अंतर है, बाकी आप देख लीजिएगा। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल कहते हैं। फिर यहाँ पे अंतर है, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि 1 लीटर बेलन पर, फिर 1 लीटर ना बोल करके क्या बोलेंगे, विलेय के 1000 ग्राम में, विलेय के 1000 ग्राम में खुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल अंतर कहते हैं। इसके बाद तो आइए फोर्थ पॉइंट में हम नार्मलता की बात करते हैं। नार्मलता किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें डिफिनेशन में क्या आया है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी तुल्यांकी से संबंध, तुल्यांकी भार से मतलब यहाँ पे है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। नॉर्मलिटी एन इक्वल टू फार्मूला देखिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। तो ये यहाँ पे जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, GEMB से बात करेंगे। किसको, GEMB। ये क्या है GEMB, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास। GEMB का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास। और आगे देखिए विलयन का लीटर में आयतन, यानी यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। तो देखिएगा विलेय का ग्रामों में भार, अब इसको तुल्यांक में चेंज कर रहे हैं, विलेय का ग्रामों में भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में हो जाएगा। तो इसका यानी इक्वल हो जाएगा, अब उसको हम डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू बी किस में है आपका, विलेय का ग्राम भार। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। और जीईएमबी, जीईएमबी का मतलब होगा ग्राम तुल्यांकी भार। विलेय का बी सब लिखा हुआ है, विलेय का है और है क्या, तुल्यांकी भार है, जीईएम यानी ग्राम तुल्यांकी, ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वी। और क्या लिखा है, लीटर, यह लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा लीटर में क्या लिखा हुआ है, आयतन है। क्या है लीटर में, आयतन। अब आपको पता है कि एक लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml के, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लीटर को हमने किसमें, ml में चेंज कर दिया, तो AL is equal to WB upon GEMB into VML और इसमें 1000 में। तो ये आपका क्या रहा, फार्मूला रहा। तो डिफिनेशन एक बार पुनः सुन लीजिएगा, 1 लीटर विलेय उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फार्मूला हो जाएगा आपका, तो देखिए अब हम तीनों को एक साथ फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि आपको लर्न करने में कोई समस्या ना जाए। तो अभी आपने पढ़ा मोलरता, फिर कहा मोलरता, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, नॉर्मलता। देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिख रहे हैं, मोलरता की, मोलरता किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। फार्मूला क्या निकल के आ गया, WB upon AMB, B थोड़ा क्या होगा नीचे लिखना है, ठीक है, AMB into V ML, और किसमें होगा, लीटर में, नहीं ML में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, फार्मूला निकल गया किसके लिए, क्योंकि अभी इसी के बाद सांद्रता की व्यक्त करने की विधियों के बाद सभी जो विधियां हो जाएगी तो आपको तुरंत न्यूमेरिकल बताएंगे, और उस न्यूमेरिकल में यही फार्मूला आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहां पे दूसरा पॉइंट है आपका, देखिएगा मोलता, मोलता, मोलता किससे दर्शाते हैं, इस माध्यम से, इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, यहाँ पे जो लीटर लिखा हुआ है, भी अगर लिखा हुआ है, आयतन की बात हो रही है, तो वहाँ पे किसकी बात होती है, ग्राम की बात होती है। तो हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए और किसमें, ग्राम में इंटू 1000। तो आपका क्या हुआ, दूसरा फार्मूला निकल के आ गया। तीसरा पॉइंट होता है आपका नॉर्मलता, नॉर्मलता किसे दर्शाते हैं,
आपका ये नार्मलता हो गया, नार्मलता n इक्वल टू क्या हो जाएगा WB अपॉन GEMB इनटू VML और लेटर B। तो देखिए मोलरता, मोलरता और नार्मलता दोनों का फार्मूला सेम है, अंतर सिर्फ कहाँ है, यहाँ पे मोलों की संख्या लिखी जाती है, ग्राम अणुओं की संख्या बोली जाती है या मॉलिक्यूलर माप निकाला जाता है। और जब नार्मलता की बात करते हैं तो ग्राम तुल्यांकों की भार यानी तुल्यांकी भार निकाला जाता है। अब तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक की आवश्यकता है। बेसिक में क्या है, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, कम से कम नाइट्रोजन परिवार के फैमिली के तत्व तो याद कर लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। नाइट्रोजन परिवार कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 15 से होता है, 15 और 16 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एसपी बिस्मथ डीआई और ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम टीई पोलोनियम पीओ। और क्या है आपका लगभग लगभग क्या है कि यही आपको इसमें हम कल न्यूमेरिकल बात करेंगे, तो आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर में क्या निकालना है, एटॉमिक मास पता होना चाहिए आपको। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और इनका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो इनको आप क्या करेंगे एटॉमिक मास याद करेंगे। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा आपका 14 और इसका हो जाएगा फास्फोरस 31 होता है, ये 16 हो जाएगा सल्फर का और ऑक्सीजन का और 32 इसका होता है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, ये आपका सल्फर आपका क्या एटॉमिक मास होता है। तो ठीक है आप इसको बाकी आप क्या करेंगे इसको लर्न कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा और इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नार्मलता मोलरता और नार्मलता मोलरता और मोलरता तीनों की मैं बात कर चुका हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, गुड डे स्टूडेंट्स।